मेरे प्यारे बच्चों, आज अपनी इस प्यारी माँ को तुम कैसे भूल गए। माँ को कोई नहीं भूलता है, परंतु तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? कि जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया उसी को तुम भूल गए। आज अपनी माँ का दिया हुआ वचन, किया हुआ प्यार आपको याद नहीं आ रहा। वह माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है आज दर दर की ठोकरें खा रही है और तुम उसका ध्यान नहीं दे रहे हो। यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है और बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि माँ का प्रेम और माँ का आशीर्वाद मेरे प्यारे बच्चों जीवन भर काम आता है। अब इस समय तुम्हारी माँ जीवित है और तुम्हें उसकी चिंता नहीं। जिसकी माँ मर गई है उसे आप जाकर पूछो कि माँ की ममता और माँ का प्यार कितना गहरा होता है, जो हमारी आत्मा पर छाया रहता है और उसे हम कभी नहीं भूल पाते। उसकी याद हमें बराबर आती रहती है। परंतु आज मेरे बच्चों, यह कैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। अपनी जिंदा माँ को लावारिस छोड़कर अलग रह रहे हैं, उसकी परवाह नहीं कर रहे। वह भूखी है, प्यासी है, किस हालत में है, कोई दुख है, कोई दर्द है, उसे देखने वाला कोई नहीं। वह दूसरों के ऊपर निर्भर रहकर अपना पेट भर रही है, जगह जगह भीख मांग रही है। मले मैले कुचले फटे हुए कपड़ों में वह चाहे जहां जा रही है और चाहे जहां सो रही है। उसकी इस दयनीय अवस्था को जरा याद करो और उस समय को याद करो जब तुम्हें वह प्रेम करती थी, तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करती थी और उस प्रेम के कारण तुम अपनी माँ से ऐसे लिपट जाते थे जैसे मेरी माँ के सिवा कोई नहीं। आज तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती, या वह प्रेम याद नहीं आता, वह माँ की ममता याद नहीं आ रही। आज इस समय बहुत सारे घरों में अपनी माँ को निकाल निकाल कर खुद आनंद से रह रहे हैं, या फिर उनके बने बनाए मकान को अपने कब्जे में ले रहे हैं, या बेचकर उन्हें बेघर कर दे रहे हैं, या जबरदस्ती उसे घर से निकाल दे रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कल को तुम्हारे साथ भी यही होगा, क्योंकि जो जैसा करेगा उसे उसका परिणाम यहीं भोगना होगा। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। अंतकाल में सारे दुख आपको याद भी आएंगे और जो तुमने अपनी माता पिता के साथ किया है वह भी तुम्हें बहुत याद आएगा। परंतु उस समय बहुत कुछ देर हो चुकी होगी और तुम फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अब अगर तुम चाहते हो कि माँ को मैं कुछ शरण दे दूँ या उसका प्रेम पालूँ, तो अपनी माँ को अपने पास रखो। जैसा तुम खाते हो, जैसा तुम पहनते हो, उसी प्रकार तुम उसकी सेवा कर लो। वह तुमसे कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगेगी जो तुम्हारे बस में नहीं है। मेरे बच्चों, यह जीवन बड़ा अमूल्य है और इस जीवन को देने वाली वह जगत माता मैं सबके ऊपर कृपा करती हूँ।
परंतु जो जैसा करता है उसके लिए उसका परिणाम वह मिलता है उसे मैं जरूर भोगने के लिए देती हूँ। अच्छे व्यक्ति को अच्छा परिणाम मिलेगा, जीवन में सुख पाएगा, और जो बुरा कर रहा है उसको बुरा परिणाम अवश्य ही मिलेगा, चाहे अंतकाल तक मिले। देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं होगा, इसलिए तुम अपने उन गरीब माता पिता को अमीर बना दो अपने घर में लाकर। लोगों की ठोकरें खाने के लिए, लोगों के ताने सुनने के लिए, लोगों की बातें सुनने के लिए तुम उसे इस बस्ती में, इस निरीह जंगल में और इस दुनिया में अकेला मत छोड़ो। उसकी परवाह करो, उसकी सेवा करो, उसका आशीर्वाद लो, उसका प्रेम प्राप्त करो। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगेंगी, फिर तुम्हें मेरी भी कृपा प्राप्त होगी। मैं उसी पर कृपा करती हूँ जो अपने घर परिवार को प्रेम से पालता है और उसकी परवरिश करता है। मुझे वह लोग बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के दिखाई पड़ते हैं जो अपने लोगों से, अपने पड़ोसियों से और अनायासी अन्य लोगों से बैर भाव करके उन्हें दुत्कारते हैं, दुष्कृत करते हैं और उन्हें नीचा दिखाते हैं। मेरे स्वभाव के कारण हर कोई इस दुनिया में एक समान है और उसका परिणाम भी सबको बराबर मिलता है, परंतु तुम अपने धन के कारण या अपने अहंकार के कारण जो ये स्वाभिमान, अभिमान और ऊंचा नीचा पन अपने अंदर पैदा कर रहे हो वही तुम्हारे दुख का कारण होगा और वह दुख तुमको भोगना होगा। मेरी बात अभी मान लो, इस मेरे संदेश में बहुत गहरा राज छुपा है। तुम अपने माता पिता की ऐसी सेवा कर लो जिससे साक्षात स्वर्ग प्राप्त होगा। आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा, उसने अपने अंधे माता पिता को कई प्रकार के तीर्थ कराए थे, वो भी अपने कंधे पर बिठाल कर। क्या तुम इतने सक्षम नहीं हो कि अपने बने बनाई कुटिया में या बने बनाए घर में माता पिता की प्रेम से सेवा कर सको, उन्हें खुश रख सको, उनका आशीर्वाद ले सको? अगर यह नहीं करोगे तो फिर तुम्हें जीवन में दुख निश्चित प्राप्त होगा। यह मेरा कटु शब्द है और संदेश भी है। प्राप्त कर लो और भोग लो। मेरा धन्यवाद आपको।